वेलकम टू डीएनपी इंडिया। दरअसल इन दिनों मोदी सरकार और इंडियन रेलवे दोनों एक साथ काफी चर्चा में हैं, और इसका कारण रेलवे का निजीकरण है। गौरतलब है कि प्राइवेट कंपनियां रेलवे में भी निवेश कर रही हैं, और इस निवेश के जरिए 50 ट्रेनें और 150 रेलवे स्टेशन प्राइवेट कंपनियों के अधीन हो जाएगा। यहाँ तक कि ट्रेन का किराया निर्धारित करने का हक भी निजी कंपनियों को दे दिया गया है। रेलगाड़ियों का निजीकरण होने के कारण लोगों को उसमें एयरलाइन की तरह यात्रियों को पसंदीदा सीट, सामान और यात्रा के दौरान सेवाओं के लिए भुगतान करना पड़ सकता है। यह सकल राजस्व का हिस्सा होगा, जिसे संबंधित निजी इकाई को रेलवे के साथ साझा करना होगा। रेलवे के इस बारे में जारी दस्तावेज में यह पता चलता है। और अब भारत में प्राइवेट ट्रेनों को चलाने के लिए कवायद तेज हो गई है। देश में प्राइवेट ट्रेन चलाने के लिए भारतीय रेलवे ने बुधवार को दूसरी प्री एप्लीकेशन कॉन्फ्रेंस की, जिसमें 23 कंपनियों ने हिस्सा लिया। प्राइवेट ट्रेनों के परिचालन में बॉम्बार्डियर, एल्स्टॉम, सीमेंस और जीएमआर सहित 23 कंपनियों ने दिलचस्पी दिखाई है। 12 क्लस्टरों में प्राइवेट ट्रेनों को चलाने को लेकर हुई इस बैठक में BEML, IRCTC, भेल, CAAF, मेधा ग्रुप, स्टरलाइट, भारत फोर्ड्स, JKB इंफ्रास्ट्रक्चर और तीतागढ़ वेगन्स लिमिटेड भी शामिल हुई। बता दें कि ये नई ट्रेनें नेटवर्क पर पहले से चल रही ट्रेनों के अतिरिक्त होंगी। रेलवे नेटवर्क पर यात्री रेलगाड़ियां चलाने के लिए निजी निवेश की ये पहली पहल है। इस परियोजना से लगभग 30,000 करोड़ रुपए का निजी निवेश प्राप्त होने का अनुमान है। जानकारी के मुताबिक मीटिंग में प्राइवेट ट्रेन के परिचालन के लिए आए आवेदकों ने रेलवे के सामने अपने कई मुद्दे उठाए। पात्रता मानदंड, बोली प्रक्रिया, ट्रेनों की खरीद, ट्रेनों का किराया, संचालन और रखरखाव सहित कई मुद्दे। हालांकि रेल मंत्रालय ने इस बात पर जोर देते हुए जवाब दिया कि निजी खरीदारों को गाड़ियों की खरीद के मामले में पूरी आजादी दी जाएगी। या तो ट्रेनें खरीदी जा सकती हैं या लीज पर ली जा सकती हैं। मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया कि प्राइवेट ट्रेन संचालकों को अपने यात्रियों से वसूला जाने वाला किराया तय करने की स्वतंत्रता होगी। आइए अब आपको बताते हैं कि रेलवे में कौन कौन सी कंपनी निवेश कर रही है। रेलवे में शामिल होने वाली कंपनियों में अल्स्टॉम ट्रांसपोर्ट इंडिया लिमिटेड BEML, भारत फॉर्ग, भेल, बॉम्बार्डियर ट्रांसपोर्ट इंडिया, CAAF इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, गेटवे रेल, GMR इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, हिंद रेक्टिफायर लिमिटेड, आई बॉन्ड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, IRCTC लिमिटेड, ISQ एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड, जसन इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड, JKB इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड, L&T इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स लिमिटेड, मेधा, मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड लिमिटेड, PSGG टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, RK एसोसिएट्स एंड होटलियर्स प्राइवेट लिमिटेड, सीमेंस लिमिटेड, स्टरलाइट पावर और टीटागढ़ वेगन्स लिमिटेड कंपनीज का नाम शामिल है। साथ ही सरकार का कहना है कि देश में प्राइवेट ट्रेनें मार्च 2023 से चलेंगी। इसके लिए टेंडर मार्च 2021 तक फाइनल कर लिए जाएंगे। ज्यादातर प्राइवेट ट्रेन मेक इन इंडिया के तहत भारत में ही बनाई जाएगी। बता दें कि इससे पहले 21 जुलाई 2020 को प्री एप्लीकेशन कॉन्फ्रेंस हुई थी। अभी तक की जानकारी यहीं तक। डीएनबी इंडिया पर देखते रहिए नई वीडियो और ताज़ा खबरें सटीक जानकारी के साथ। चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करें। नमस्कार।